बंधु दो शब्द है, राष्ट्र और राज्य। राज्य राष्ट्र तत्व की रक्षा के लिए है, राष्ट्र का एक तत्व है, राष्ट्र का एक दर्शन है, राष्ट्र का एक विचार है, राष्ट्र एक व्यवस्था है, राष्ट्र एक बड़ी परंपरा है। इस परंपरा को, इस दर्शन को, इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से संभालने का काम राज्य करता है। हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र ये आत्मा है, राज्य उसका शरीर है। ये बात सच है, अगर राज्य नष्ट हो गया तो आत्मा कहां दिखाई देगी, नहीं दिखेगी। और केवल आत्मा ही आत्मा कहां घूमेगी, नहीं घूमेगी। तो आत्मा और शरीर, ये राज्य और राष्ट्र, इसको अपने को समझना। ये देश है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, नगर है, गांव है, पशु है, खेत है, सब है। ये देश है, राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र भिन्न तत्व है, ये शरीर है। पाकिस्तान में क्या नहीं, अच्छी हुई पंच नदियां हैं, जिन नदियों के किनारे वेदों की रचना हुई, पांचों नदियां पाकिस्तान में। वही मनुष्य है, वही खेत है, वही पर्वत है, वही सरोवर है, वही सब कुछ है, लेकिन भारत नहीं है। भारत नष्ट हो गया, वहां से चला आया, भारत समाप्त हो गया। भारत नाम का राष्ट्र पाकिस्तान में अब नहीं है, वो समाप्त हो गया। कब आएगा वो बात की बात है, आएगा कि नहीं आएगा वो दूसरा प्रश्न, आज नहीं है। क्यों नहीं है भारत, क्योंकि भारत का राष्ट्र तत्व वहां से इधर आ गया, भारत नहीं बचा, भारत समाप्त हो गया। मनुष्य है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सड़कें हैं, रेल है, स्टेशन है, हवाई अड्डे है, कारखाने हैं, सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र नहीं, राष्ट्र चला गया। इसका अर्थ है कि हिंदू है तो राष्ट्र है, हिंदू हट गया तो भारत चला आया, भारत समाप्त हो गया। हिंदू के रहने से भारत रहता है, हिंदू के न रहने से भारत नहीं रहता, देश विदेश हो जाता है, देश विदेश हो जाता है। अपना देश हिंदू के न रहने से वीराना हो जाता है, अपना नहीं बल्कि शत्रु बन के खड़ा हो जाता है। जो 47 के पहले अपना दिखता था अब नहीं बचा, क्यों, क्यों उन्होंने हिंदुत्व को मानने से मना कर दिया, हम हिंदुत्व को नहीं मानते। तो एक बड़ी लड़ाई हम 47 में हार गए, जो शकों से नहीं हारे, हूणों से नहीं हारे, और लंबे गजनी गौरी से होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर तक नहीं हारे, 47 में हार गए, वो देश छोड़ दिया हम लोग।